हमारे कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जैसा का तैसा उत्तर दिया जाएगा, ब्याज के सही हिसाब चुकाया जाएगा। उनको लव जिहाद पे गर्व हो सकता है, हमारे लिए शर्म की बात है, उसमें रुकना चाहिए। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को खुश करने के लिए यदि कोई इस तरह की भाषा करेगा तो पूरा महाराष्ट्र उसका, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र उसको उसका जवाब देगा। सर, आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए हैं, जो आपने असेंबली में आंकड़े रखे हैं उसको लेके क्या कहना? आंकड़े जो रखे गए हैं वो मेरे पहले दो सदस्यों ने वो आंकड़े रखे थे, पर चूंकि इसके पहले मैंने कई तरह के ऐसे प्रश्न जो राष्ट्र इससे संबंधित है वो उठाए, उसके लिए वो इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यदि सोचते हो कि इस तरह की बातें करने से मैं घबर जाऊंगा तो मैं दुगनी हिम्मत के सामने उनके सामने खड़ा रहूंगा और उनके सारे जो ये करतूत हैं उस करतूतों को लोगों के सामने रखूंगा। कल राज ठाकरे ने सवाल उठाया जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है माहिम के पास, आज थोड़ा गया, क्या कहना था? राज ठाकरे जी ने सरकार के ध्यान में लाया, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। और माननीय सरकार ने जिस तरह से तुरंत कार्रवाई की, सरकार का भी अति से अभिनंदन और धन्यवाद। और इसी तरह की घटनाएं, इस तरह के अनाधिकृत न केवल माहिम में बल्कि मानखुर्द में भी है, मालवणी में भी है, भिवंडी में भी है, सबका नंबर लगेगा। ये तो केवल एक झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है।